evening, everybody. On behalf of the Executive Committee of Indian Films and Television Directors Association, we welcome you all to this great initiative by the association. First time, first of its kind in the city. IFTTA is the only organization which is an organization of Film and Television Directors Association. I've been very thankful to two masters of Indian cinema, Anand Rai and Sudhir Mishra, who have given their time, valuable time, and I think it's our duty to respect their valuable time, what they are giving it to us. Now I request Sudhir Mishra ji to come on the dais. I will request my president. I request Anand Rai ji to please come on the stage. I will now request Rahul Raven sahab to hand over a token of appreciation to Anand Rai ji, who is with us. जब मैंने पहली फिल्म बनाई थी उसके पहले एक सीरियल बनाया था. द सीरियल वॉज रियली टेरेबल. सो एवरीबडी टोल्ड मी यार छोड़ दो. जब तुमने स्ट्रेंजर बनाया था क्या बोला था? छोड़ दो. मैंने खुद को भी दो बार बोला था कि छोड़ दे. क्योंकि उस वक्त जैसे टेलीविजन, मैंने भी टेलीविजन किया पहले, तो टेलीविजन ने उतना सिक्योर कर लिया था मुझे कि मैं, मुझे बॉम्बे कोई नहीं छोड़ा रहा था. ये था कि मैं बॉम्बे में रहूंगा. और फिर मुझे ये लगा कि यार, और थक भी रहा था टेलीविजन से, मुझे लगा बनाते हैं फिल्म. एक दो साल का गैप लेता हूँ, मेहनत करता हूँ, दिखाता हूँ कि यार मैं भी फिल्म कर सकता हूँ. तो जो मुझे लगा सुधीर सर करके उस वक्त, वो यही था कि यार जब मैं स्ट्रेंजर्स बना रहा था मैं कहानी नहीं सुना रहा. मैं काफी लोगों को ये बताना चाह रहा था कि मैं फिल्म बना सकता हूँ. तो कहानी बना सुनाना भूल गया बीच में, और ये बताता चला गया कि फिल्म बना सकता हूँ. उसके अंदर मुझे कहानी नहीं दिखी, तो मुझे खुद को समझ में आ गया था कि ये सब करना छोड़ दे. अक्सर कुछ ऐसा होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग अ फर्स्ट फिल्म एंड यू गेट अ फर्स्ट फिल्म विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. Sometimes somebody tells you make a film like this, sometimes you get an opportunity, sometimes you get money, right? And then you make a film and actually it's not the film that you wanted to make, but you make it because you can. Sab kuch theek hai is waqt, chalo bana lete hain yaar, kuch to kar hi dunga, ghuma lunga kuch karke, kam se kam ho sakta hai kuch ho jaye, kuch ho jaye. Ha, aisa kuch hua tha nahi mere sath. Ek to maine apne aap ko bahut aasan liya hai life. Mujhe kabhi ye nahi laga ki mere andar koi ek filmmaker, wo abhi tak nahi aa rahi feeling. मुझे सिर्फ यही लगता रहता है कि यार इस कंटेंट को कैसे देखूंगा मैं फाइनली. तो मैं स्ट्रेंजर्स भी करने जब उतरा था, तो कोई, वो पहला टाइम था सुधीर सर, मैं डीजी बीटा पे शूट करता हूँ, 535 पे चला गया था, और सेट पे जाके देखा था मैंने कि अरे बाप रे इतना बड़ा कैमरा है. तो मेरे लिए मैंने आसान लिया है, एंड गॉड हैज बीन काइंड टू मी इन दैट. मैं बहुत बहुत सुस्त इंसान हूँ, बहुत लेजी हूँ, थोड़े से मैं खुश हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ. तो वो फिल्में भी मेरे साथ ऐसे ही होती चली गई हैं. तो जो पहली फिल्म जब ये हुआ तो तनु वर्ड्स मनु तक आते क्या फर्क हुआ? मतलब तनु वर्ड्स मनु जब आपने सोची, हाँ, और हिम्मत की कि नहीं यार वो जो भी था, जो लोग कह रहे थे, हाँ, उससे कुछ अलग है. अब आप अपने आप को बड़े हल्के से ले रहे हो, लेकिन फिर फिल्म तो बनाई आपने और सोच के बनाई, मैंने और मेहनत से भी बनाई होगी. क्या फर्क था उस चॉइस में तनु वर्ड्स मनु के और स्ट्रेंजर में? खुद को पहचान पाया सुनो, ये समझ पाया कि मैं हूँ. मतलब अगर मैं अपना कुछ डाल पा रहा हूँ तो वो कहानी, अगर मैं अपना नहीं डाल पा रहा हूँ तो फिर वो कहानी नहीं. और स्ट्रेंजर्स ने मेरे लिए ये कर दिया था कि अब मेरी तरफ कोई भी नहीं देख रहा था. वो जो इक्का दुक्का प्रोड्यूसर थे उन्होंने भी आंखें बंद कर ली थी, तो मेरे लिए ना लाइफ थोड़ी आसान हो गई थी. मतलब कहने के लिए डिफिकल्ट हो सकती है कि एक स्ट्रगल, फिर पर कहानी मैंने ये तय कर लिया था कि अब कोई नहीं देख रहा, अब
डायरेक्टर की तरह बिहेव कर, तुझे क्या चाहिए, ऐसी कहानी बनानी है तेरे को, बना ले। खुद से ही बोल रहा हूँ, कोई आगे नहीं बढ़ रहा, हाथ नहीं पकड़ रहा मेरा। तेरे को क्या करता है माधवन मेन लीड, ले ले कर ले एक स्ट्रगल, तो चला जा। कंगना ने ऐसा रोल नहीं किया कभी, वो भी तो एक्टर है, उसकी भी तो जरूरत होगी कि कुछ बदला हुआ करूँ, कुछ अलग करूँ, इसी इसी को ये एक्सप्लॉइट कर ले इमोशनली। तो ऐसे करते करते और तनुवेट मनो में इतना समझ में आ गया था मेरे को बनाने से पहले ही कि इसमें मेरा कुछ अंश है। मतलब एक जिधर से मैं आ रहा हूँ, जिस मिडिल क्लास फैमिली से मैं आ रहा हूँ और जिन कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ उनको मैंने महसूस किया हुआ और अब बिना डर के सुना, बिना डर के सुना कि कैसी दिखेगी, ये सुना कि कहानी सुनाई दे रही है कि नहीं सुना, कहानी सुना, बी ऑनेस्ट टू इट और कहानी सुना दे, बाकी देखी जाएगी। ना कोई स्ट्रेंजर्स को पूछ रहा था एट द मोस्ट क्या होगा था ना, मतलब मुझे तो हमेशा लगता है दिस इज अ की थिंग दैट फिल्म मेकिंग इज बोथ एन एक्ट ऑफ एरोगेंस एंड बोथ एन एक्ट ऑफ ह्यूमिलिटी। तो एरोगेंस इसलिए क्योंकि आपसे पहले बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए हैं, तो हम कौन है हम, पर हम कहानी सुनाना चाहते हैं तो कुछ एक एरोगेंट एक्ट तो है, कुछ हम में है जो हम कर सकते हैं, जो सुना सकते हैं, जो इस लायक है कि लोग और सुने। और ह्यूमिलिटी जो है वो मीडियम के सामने, और मेरे ख्याल से ये एक्टर्स के बारे में भी उतना ही सच है जितना, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों ने एक्टिंग की है, लेकिन आप में भी कुछ है, तो वो अपनी खासियत अपनी फिल्म पहचानो, जो तुम बेहतर कह सकते हो वो फिल्म बनाओ। हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं होती, जो अपनी कहानी सुनाओ तो वो मेरे ख्याल से उस तरह के निर्णय पे आप मैं पहुंच पाया। मेरे को चाहे वो डायरेक्टर हो या एक्टर हो, मुझे लगता है कि अगर आपका असली 5 मिनट भी आप दे पा रहे हैं ना तो वो वर्थ है। मतलब अगर आपके का 5% भी आप अगर अपनी कहानी के अंदर वो एक्टर को लेके कैरेक्टर को अगर दे पाए, वो एक एक्टर कैरेक्टर में वो अपने एक असलियत का एक वो डाल पाए, सांस लेने लगती है कहानी भी, सांस लेने लगती है और एक्टर भी सांस लेने लगता है। तो what's your method jaise ki you work very closely with one writer, yeah, Himanshu, you're actually one, he seems to you really work in sync with that person, he seems to have written all three of your films, right? To jab aap jaise kahani aayegi is tarah ki film aap banayenge, ye film aapne choice liya hai subject matter ka, to what is the process, kis tarah se aapne ye nirnay kiya, aur bhi phir then you take more decisions as you go along, correct? What is your particular method? देर इज़ नो मैथड सुनिए सर, बेसिकली जैसे मेरे वाले केस में हिमांशु वॉज माई असिस्टेंट इन स्ट्रेंजर, सो इन अदर वर्ड्स वी सॉ फेलियर टुगेदर, हमने वो खाली वक्त साथ में देखा और कोई ऐसा हम लोगों ने ऐसा तय नहीं किया कि आओ अब बदल देते हैं सिनेमा और एक ऐसी सी कहानी। उस वक्त हम लोगों को हमारे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। एक दिन उसने बोला कि सर मैं लिखूं, मैं कहा लिख भाई, तू भी खाली बैठा मैं भी खाली बैठा हूँ, लिख के देख चार पन्ने क्या। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन तनु एंड सन। तो और हुआ ये कि सर डर निकल चुका था ना, डर निकल चुका था, खोने का कुछ था ही नहीं। मुझे ये लग रहा था कि जैसे मैं हमेशा बोलता था तनु एंड सन के टाइम पे कि मैं तनु एंड सन के बाद बहुत पैसा कमाऊँ, तो मेरी वाइफ पूछती थी कैसे, तो मैंने कहा देख चल गई तो और फिल्में बनेगी, नहीं चली तो जाऊंगा चुपचाप टीवी करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। सो वो जो वक्त था, हिमांशु एज अ राइटर, मी एज अ डायरेक्टर, एक्चुअली हम लोगों ने खुद को डिस्कवर किया है उस खाली वक्त में बहुत, और ये समझ पाए हैं कि यार सोल पकड़, कहानी सुना, निकल लेगी, कहानी निकल लेगी, काम करती करते तो समझ में आता है कि आप क्या है, क्या है। एंड एक्चुअली स्ट्रेंजर्स टॉट अस अ लॉट, मतलब वो अगर मैं बोलूं तो शायद तनुवर्ज मनु ने उतना फिल्म मेकिंग नहीं सिखाई जितनी स्ट्रेंजर्स ने सिखाई मुझे। एक एक फियरलेस डायरेक्टर को वो किया वो स्ट्रेंजर्स ने किया, तनुवर्ज मनु ने तो उल्टा एक हल्का सा डर लाने की कोशिश की जिसको हमने साइड पर रखा। इस वजह से मैं तनुवर जानो के बाद मैंने मतलब तनुवर जानो को लोग बोलते थे रोम कॉम, मेरे लिए हमेशा से लव स्टोरी, और उसके बाद मैंने यही था कि था मन में ये भी आ रहा था कि आजा उसी वक्त 2 बना लेते हैं और देखी जाएगी।
पर क्योंकि एक एक डर और निकल चुका था और मुझे उसको कायम रखना था, देन आई डिसाइडेड कि लेट्स डू रांझा। तो ये जो डर था, मतलब ये मतलब बहुत सारे, देयर अ लॉट ऑफ यंगर पीपल हियर, द फैक्ट दैट यू टुक सर्टेन चॉइसेस एंड द फैक्ट दैट यू सेड आई टेक माधवन, आई टेक कंगना, आई टेक, व्हाट आई नोटिस इन योर वर्क, एंड मैं ये आजकल मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये देख के कि बहुत सारे मेन स्ट्रीम में जो फिल्म मेकर्स हैं उनके काम में, अब हम अपनी पेट थपथपा लें थोड़ी सी, लेकिन उनके काम में द बेस्ट ऑफ पैरेलल सिनेमा भी है, तो उनके काम में एक चॉइस ऑफ फेस है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के काम में एक डिटेल है कास्टिंग का, वो छोटे छोटे एक्टर्स को पहले हिंदुस्तानी फिल्मों में बहुत ज्यादा, जो बहुत अच्छी भी थी और मतलब बहुत सारी बहुत, तो हमेशा जो छोटे रोल करते थे वो कोई हीरो का दोस्त होता था, ऐसा लगता था हीरो ने कहा, और वही वही होते थे, तो आपको ओम प्रकाश को देख के ये लगता था कि ये कौन है, बड़ा एक फेमिलियरिटी सी होती थी कि अब ओम प्रकाश जी आ गए तो मतलब कुछ ऐसा किरदार होगा, ज्यादा समझाने की जरूरत। लेकिन आज जो मेन स्ट्रीम का यंगर फिल्म मेकर है उसके काम में कास्टिंग की भी डिटेलिंग है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से आपने जीशान को यूज किया है अपनी फिल्मों में या कुछ, तो वो भी एक निडर होके, और किस किस, व्हाट वाज योर प्रोसेस देयर इन इन टर्म्स ऑफ, आप फॉर एग्जांपल यू मेंटेन शॉट इन अ रियल लोकेशन, तनुवेड्स मनु हैज अ वेरी डिटेल्ड ट्रू लुक इन 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 टर्म्स ऑफ वेयर इट शॉट, यू कैन ऑलमोस्ट स्मेल द प्लेस, वो सारा काम आप में, तो वो एक कॉन्शियस, आप इतना हल्के से अपने आप को ले रहे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो उसमें डिटेल दिखता है ना काम में जी, है ना जी, तो वो आपका प्रोसेस कहाँ से, वो स्क्रिप्ट से इजाद होता है? स्क्रिप्ट से होता है सर, जैसे मैंने एक, अच्छा एक 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 होता है, मतलब इन वेरी बोल्ड वर्ड्स, एक दादागिरी होती है डायरेक्टर, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपने हमेशा दिखाई है, आपने हमेशा दिखाई है वो दादागिरी, तो एक फिल्म मेकर और एक डायरेक्टर वाला डिफरेंस बता रहा हूँ मैं, तो वो अगर आप एक अपर लेयर पे देखेंगे तो मेरे काम में दादागिरी नहीं दिखी, आपने हजारों ख्वाहिशें कब बनाई, उससे सीख रहे हैं हम लोग, वो जो कास्टिंग की डिटेलिंग आप बोल रहे हैं उसमें भी एक छोटा छोटा कैरेक्टर, मेरे साथ जो हो रहा था, मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं वहां से नहीं आ रहा सर, मेरे में नहीं है, मैं उतना अपने आप को पैशनेट मान नहीं रहा हूँ, दिख जाए और बात है, मैं और पहले तो मैंने भी ये सोचा था ना कि, और ये सर वो जो गरीबी होती है ना वो उससे ज्यादा कुछ और चीज इन्वेंट नहीं कर सकती, जो गरीबी इन्वेंट करती है। नियत से देखिए, आप अपने आप को हल्का ले रहे हो, नियत से या बड़े सिंसियर होने से तो फिल्म मेकर नहीं होता, वो आपके अंदर कुछ है, जिद्दी हूँ, जिद्दी हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जिद्दी हूँ, पोलाइटली बहुत जिद्दी हूँ, बट जैसे मेरे एक दोस्त हैं शेखर कपूर, वो ना कभी नहीं कहते, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर शेखर कपूर लड़की होते तो बहुत सारे लड़के दरवाजा तोड़ रहे होते, वो ना कहते ही नहीं है, वो उनका हाँ भी नहीं कहते, और वो दूसरे को थका देते हैं, तो एंड में प्रोड्यूसर बोलते हैं यार तुमको जो करना करो, कर लो, हाँ वैसे ही समझ लीजिए, मैं वही प्यार से निकाल रहा हूँ, पर हाँ मतलब मेरे लिए कास्टिंग ये हो गई थी कि मुझे, जैसे रियल लोकेशंस की हमने बात की, ऐसा नहीं था कि पहले मेरे मन में नहीं आया कि मैं भी वैसे ही सेट्स, मैं भी वैसे ही एक फिल्म सिटी में लेन लग जाएगी और ये हो जाएगी, बट ये समझ में आ गया कि सस्ती कार्बन कॉपी नहीं बनी, बुरी पेंटिंग बन जाऊंगा पर सस्ती कार्बन कॉपी नहीं बनूंगा, तो वो और वो जो बजट था कि भाई एक तो आपके पास वो वैसी मशीनरी नहीं है और वैसा आपके पास बजट नहीं है, तो मुझे लगा कि यार अब तो घुस के काम करते हैं, एक दिमाग में बैठा हुआ था कि गोरिल्ला स्टाइल शूटिंग होती है और वैसा होता है, पर मैं सुना एक लव स्टोरी रहा हूँ, तो उस
उस बजट ने मुझे मजबूर किया एक्चुअली कि मैं उन गलियों में पहुंच जाऊं कानपुर की और लखनऊ की और देखाऊं कि क्या है, क्या मैं निकाल पाऊंगा वैसा। और उसने मुझे उस सो कॉल्ड एडवेंचर ने मुझे एक फॉर्म दिया जो मुझे बहुत मजा आया, जो मेरे लिए लोकेशन कभी लोकेशन नहीं रही। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं अगर बनारस की गलियों में जाता हूँ तो उसको कैसे खूबसूरत लगाऊंगा, मैं देखता था और मुझे खूबसूरत लगती थी। और मुझे लगा कि ये इनमें अगर कैरेक्टर्स बसेंगे ये बहुत अच्छा सांस लेगी। तो मेरे लिए लोकेशन बहुत दिल के करीब की चीज़ हो गई, वो जीने लग गई एक्चुअली। और मैंने उसको पकड़ लिया, मुझे लगा ये फॉर्म, ये दुनिया फ्रॉम तनुज मनु टू रांझा। अच्छे लोकेशन में जाओ तो खुद ही बताती कैसे शूट करो अपने उसको। अब मैंने वही किया, मतलब वो कैमरा कहाँ लगाना है वो खुद ही बता देती है अगर आप सही जगह सही किरदार दे दो। हाँ। मतलब मैं मेरे लिए घाट का पर्पस दूर बेसिकली जो मैं अपने दोस्तों से और जो मेरे असिस्टेंट्स हैं उनको भी जो मैं बोलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि यार जब भी शूट करो कभी भी किसी लोकेशन पे जाओ और अगर वो तुम्हारी कहानी का हिस्सा है तो टूरिस्ट बन के मत शूट करो, जी के शूट करो, थोड़ा वक्त बिताओ वहाँ और देखो कि इट्स लाइक मुझे हमेशा लगता है कि बॉम्बे में शूट करने का मतलब ये नहीं है कि गेटवे ऑफ इंडिया चले जाओ, बॉम्बे कहीं और बसा हुआ है। तो बनारस सिर्फ घाट में नहीं है, कहीं और है, यहाँ लखनऊ सिर्फ इमामबाड़ा नहीं है, कुछ और। तो वो समझते हुए अपनी कहानी के लिए इस्तेमाल कर लेना और उनको एक कैरेक्टर बना लेना, वो मैंने एक्चुअली वही गरीबी वाले वक्त में डिस्कवर की, उसको अपना फॉर्म बनाया और आगे। और कौन सा काम, जैसे आप हिंदुस्तानी सिनेमा में आए तो आपको क्या लगा? सर मैंने ना अपने बहुत सारा वक्त जब मैं छोटा था तो दिल्ली में पला बड़ा हूँ तो दिल्ली की छतों पे सोते थे हम, और शाम होते ही एक बाल्टी लेके जाके मेरा ही काम होता था छिड़काव कर देना और उसके बाद बिस्तरे लगा देते थे ताकि 2-3 घंटे बाद जब सोने हैं तो थोड़ा ठंडा ठंडा। तो जब छत खाना वाना खा के ऊपर सोते थे तो डैडी की बाजू पे सर रख के मैंने बहुत सारे पुराने गाने सुने और उन गानों से कनेक्ट होते मैं उन फिल्मों से कनेक्ट हुआ, मैं फिर बहुत सबकॉन्शियसली उन मेकर्स से कनेक्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं एक एक सिस्टम में एक एक लाइफ में बिमल रॉय भी रहे, ऋषिदा भी रहे, राज कपूर साहब भी रहे, ये पुराना टाइम जो था और ये जो पुराने गाने थे इन्होंने मुझे बहुत मेरे को अभी भी कई बार डर लगता है कि कहीं मैं इस वाली जनरेशन से पिछड़ा तो नहीं रह जाऊंगा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है मैं एज पे हूँ। मैं इवन व्हेन आई एम सिलेक्टिंग माय सॉन्ग्स तो मुझे कई बार डर ये लगा रहता है कि यार कोई ये तो नहीं बोलेगा 60s का गाना उठा के लिया है, ज्यादा शायरी हो गई और लिरिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान है और कैची नंबर, पर फिर वही क्या हो जाएगा, ठीक है ना, चल रही है ना दुनिया एक, क्या हो जाएगा, हिट फ्लॉप चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मन का कर ले अभी तक मन की चल रही है, मन का कर ले, तो वही कर रहा हूं। ड्यूरिंग द शूटिंग इज यू इंप्रोवाइज और यू स्टिक टू द स्क्रिप्ट? आई इंप्रोवाइज, आई इट्स लाइक मैं अकेला कभी फिल्म नहीं बनाता, मुझे लगता है सब मेरे एक एक्टर के अंदर भी मेरा एक छोटा सा डायरेक्टर है जो बैठा हुआ है, तो मैं उसको भी सुन लेता हूँ और मैं एंजॉय करता हूँ, मैं वो प्रोसेस एंजॉय करता हूँ। मैंने फिल्म मेकिंग मतलब जैसे मुझे तो लगता है कि अगर वो स्क्रिप्ट ही रेप्लिकेट करनी है तो फिर मेरी क्या जरूरत है, मतलब उस वक्त द प्रोसेस इज सो सच ग्रेट फन, उसमें कुछ आप नया भी एक पाते हैं, कुछ होता है जो सरप्राइज करता है आपको उस वक्त। हाँ, वो जो बहुत एन अब्यूज वर्ड बट हमारे लाइन में वो जो मैजिक है वो एक्चुअली होता तभी है सर जब आप अपने आप को उस फ्लो में छोड़ दें और बिना डर के छोड़ते हैं। आप स्विमिंग कैसे सीखेंगे? पोल पकड़ के तो नहीं सीख पाएंगे, छोड़ना तो पड़ेगा, एक बार लगेगा कि डूबने लगे और फिर आप निकलते हैं। तो वो चीज मैं वो वाला डर कभी नहीं आया कि मेरा एक्टर अगर आके मुझे बोलता है कि यार मेरा मन कर रहा है, मुझे सिर्फ ये दिमाग में रहता है अच्छा ये मेरा कैरेक्टर है, इसकी लाइन है इधर से इतना, इसकी वेवलेंथ यहाँ तक की, उसके अंदर रहते हुए तू अपनी जिंदगी जी, मैं नहीं रोकूंगा टिल इट इज नॉट अफेक्टिंग द वर्ल्ड ऑफ माई स्टोरी। तो और मौज वाला गाना सर बहुत मौज वाला गाना है, आप एक तरह से यू आर फॉर दोज
whatever number of days you're shooting or making a film, you're like a mini god. You have your own world. आप उसको रच रहे हैं, आप उसको बस रहे हैं, आप आपके हिसाब से चीजें हो रही हैं. तो मुझे लगता है कि वो जो एक एक एक, एक जो फैमिली मिलती है वहाँ पे, और आप उस वक्त हेड ऑफ द फैमिली होते हैं. मैं डायरेक्टर के लिए हमेशा बोलता हूँ, जैसा सुधीर सर ने शुरू में बोला कि पियोन से लेके वहाँ तक, तो मेरे ये बिल्कुल फैक्ट है. मैं किसी दिन इतना वल्नरेबल, डायरेक्टर से ज़्यादा वल्नरेबल सेट पर कोई होता ही नहीं. कभी आप सेट के फादर होते हैं और आप सबको संभाल रहे होते हैं, कल आप सबसे छोटे बच्चे होते हैं अगले दिन, और आपको पूरा सेट संभाल रहा होता है. तो वो जो मैं, मेरे साथ ये हो रहा है सर, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए वर्क क्या कर रहा है. पर मेरे लिए, मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो जो मैं प्यार में पड़ जाता हूँ और लोग प्यार में पड़ जाते हैं, और उसके बाद जो फिल्म बन जाती है, वो प्रोसेस में मुझे मजा आने लगता है. मुझे लगता है यार ये चलता रहे किसी तरीके से. वो जो मुझे 60-70 दिन शूटिंग के मिल रहे हैं, उस वो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट. आई सर्च फॉर अ स्टोरी फॉर दोज नंबर ऑफ डेज ऑन सेट एंड दैट फैमिली. So when you go to the set, वैसे तो कोई चीज ऐसा strict demarcation है नहीं. आप जब सीन भी पे काम कर रहे हो तो कुछ शॉट ख्याल आता है, और वहां जाके शॉट लगाते हैं तो कुछ डायलॉग ख्याल आता है, तो ऐसा कोई demarcation तो है नहीं. लेकिन do you go with a very prepared way or you have roughly thought about it and then you allow the moment to? सच सच बताऊं? हाँ हाँ सर, मैं बिल्कुल सोच के नहीं आता. और मैं, मेरे से अगर मेरा मैं पहले पहुंच जाता हूँ, मेरा डीओपी साथ होता है, तो अगर वो मुझसे पूछता है कि क्या शॉट, तो मैं बोलता हूँ यार एक्टर को आने दे, उससे मिलने दे, उसका चेहरा देखने दे, वो तय करेगा कि ये क्लोज है, मिड है, या वाइड है, या सुपर वाइड है. तो मैं अपने एक्टर का चेहरा देखता हूँ उस दिन का, फिर मुझे लगता है कि अब क्या करना चाहिए. तो बहुत अनप्लान्ड है सर. हिचकॉक साहब कहा करते थे कि because right. he had drawn the entire frame, kitne inch left pe gaadi niklegi, kitne inch right se gaadi niklegi. That's one way of making films. There are other ways of making films, the way we make films, because I do it exactly like you. So I mean, what's there is not one way. कोई एक तरीका है नहीं. मैं तो आपका तरीका बस, मेरा वही है सर. तो थोड़ा सीरियस वही है. और कितनी फिर फिल्म जो है, जब आप शूट कर लेते हो उसको, तो एडिट पे क्या होता है सब? अभी तक मैं अभी परसों बात कर रहा था, कुछ वेस्ट नहीं हुआ. मैं उस दिन ये कह रहा था कि वो जो डीवीडीज, मैं उस दिन कह रहा था यार डीवीडी, वो डिलीटेड सीन्स का जो सेक्शन है ना, मेरा अभी तक बना नहीं. तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड पूरे फॉर्म में वो मेरे साथ नहीं हुआ कि रह गया, क्योंकि वही का वही. तो एक एक घंटे बाहर है यार, तुम सब पे बहुत प्लान्ड हो. नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि अनप्लान्ड में भी ऐसा हो गया. तो बहुत प्लान्ड है, मतलब कि आपका अगर एक भी डिलीटेड सीन नहीं, क्योंकि मैं खुद भी ढूंढ रहा था कि वो सेक्शन बना नहीं पाया हूं मैं आज तक. और जबकि मेरा बड़ा मन हुआ है कि यार होना चाहिए, बाद में देख के बोल पाओ कि अरे देखा ये भी सीन अगर होता तो, वो हुआ नहीं कभी मेरे साथ. तो वो By grace of God, वो रह गया है कि इतने unplanned form में भी कहानी पूरी correct scene के साथ सुना दी गई है. If we come to your second film, Ranjana, मैंने दोबारा देखी आज. उसके बारे में कुछ पढ़े लिखे लोगों का ख्याल है, जो जिससे मैं आज देखते हुए disagree कर रहा था, कि वो एक स्टॉकर जैसे की कहानी है ना. आपने भी सुना होगा ये क्रिटिसिज्म, सुना होगा. बिल्कुल सुना. बट मुझे ऐसा लगा कि वो अगर स्टॉकर की कहानी है भी शुरू में, तो उसकी तब्दीली की कहानी है. वो शुरुआत कहीं होता है उसका, और वो आखिर में तो एक ग्रोथ, एक कैरेक्टर की कैसे देखा था आपने उसको, रांझना को. सर मेरे को वो मुझे, because at each point he is growing,
एट ईच पॉइंट व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग टू हिम, उसकी फितरत सी बदल रही है थोड़ा, उसकी समझ सी बगैर उसको एम्फसाइज किए, बगैर उसको इंटेलेक्चुलाइज किए, बस एक एक्सपीरियंस से कैरेक्टर में एक तब्दीली आ रही है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था आपको, आपने कहानी जब देखी, कहानी जब जब कहानी पे काम कर रहे थे, स्टॉकर तो कहीं से नहीं दिमाग में नहीं था। अब सिंपल सी एक बहुत ऑर्डिनरी सी लड़के की कहानी जो एक खूबसूरत सी लड़की से प्यार में पड़ जाता है और एंड द स्टोरी। मुझे बिल्कुल अगर कुछ लोगों को लगा और ऐसा महसूस हुआ कि एक स्टॉकर की कहानी, बिल्कुल नहीं है, मुझे तो नहीं लगा। हाँ, नहीं, मुझे दो उस वक्त मैंने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया चीज़ों को लेके, पर मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि जो लोग ये बात कह रहे थे और जो बहुत स्ट्रांगली उन्होंने ये बात बोली, मुझे ये लग रहा था कि यार कोलाबा में रह के सी फेसिंग घर से अब बनारस के लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो बनारस आपने आज तक देखा नहीं, दैट वॉज एक्चुअली You have to know the roots from where we are coming. You have to understand the boy from that small town before you call him a stalker. He was not a stalker. No. मेरे लिए वो कहानी बहुत प्योर थी, तो मेरे लिए कभी भी वो वर्ड आया नहीं दिमाग में। मैं खुश इस बात से था कि ये कहानी जहाँ तक पहुँचनी थी वहाँ तक पहुँच गई। आज जो हम लोगों का सिनेमा है और यंगर जो डायरेक्टर्स हैं, ज्यादातर एक तरह का वेस्टर्नाइजेशन, एक तरह का नैरेटिव फॉर्म जो हमारे बदल रहे, उसमें कभी कभी क्या ये लगता है कि जो हमारे हिंदुस्तान का सिनेमा था जिसमें एक कहानी एक अंदाजे बयां था, एक कहानी सुनाने का अंदाज था, म्यूजिक का इस्तेमाल था जिस तरह से हम लोग करते थे, जिस तरह से हमारे हमसे जो पीछे फिल्म मेकर्स थे वो करते थे, वो कहीं हल्का सा खो जाएगा और हिंदुस्तानीपना जो था सिनेमा में वो कहीं खो जाएगा और उसको बरकरार रखने की जरूरत है, या तुम्हें लगता है कि जैसे जाए वैसे? नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा ये खो जाएगा, नहीं खो जाएगा, बिल्कुल नहीं खो जाएगा। जैसे लिप सिंह तो यंगर फिल्म मेकर्स की उसमें गायब से ही होता जा रहा था, वो तब्दीली है सर, वो गायब होना नहीं, वो तब्दीली है, वो आप, मैंने वही बोला कि साथ में ग्रो कर रहे हैं तो प्रॉब्लम, ऑडियंस भी आपके साथ ग्रो ही कर रही है, दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग, सो इट्स नॉट कि हम लोग वो अपना कल्चर छोड़ देंगे या हम लोग उसमें चले जाएंगे, वो नहीं है। आई थिंक जो भी हो रहा है इन सिंक हो रहा है, एंड इट्स अ ग्रोथ, इट्स नॉट अ चेंज, इट्स अ ग्रोथ। एक्सीलेंट, my question to you is in all three of your films, Ranjana, Tanu as Manu and Tanu as Manu Returns, you have portrayed women character very beautifully, like how do I say it, we have four metros in India but smaller cities bahut zyada hai, so we could relate with those women jo ki rebel hai, independent hai aur they know they are formed with their choices and they know what they want in life. So, did you plan those things and those like those qualities in your character, or do you think that those qualities in your character could come out beautifully because the younger generation has seen the film with the generation which is born in brought up in independent India? So, like it was a planned thing, or the independence helped you in some way? No, this was not planned. This is how I see Indian. This is how I feel about them. There is nothing planted. There is no planning on it. And keeping in mind that मैं सिर्फ अपने आप को यही बताता था ना कि I am making a contemporary film. And, I want to show the real India, the real Indian woman, the real Indian men. So there is nothing I'm planning for my audience. It's a story which asks for it. And this is how I see. Nothing much. There is no strategy to it. Here, let's put a girl like this and now have a boy like this. मुझे लगता है ये कहानी ऐसे सुनाई जानी चाहिए और मुझे हिंदुस्तानी लड़की आज के दिन पे
जैसे मेरे लिए दत्तो इज अ वेरी कंटेम्प्ररी गर्ल, शी इज अ वेरी कंटेम्प्ररी इंडियन मॉडर्न गर्ल, और सेम में तनु भी, तो दो अलग अलग तबके से आती हुई आज की हिंदुस्तानी लड़की है, you know? तो पर हाँ ये प्लांट थिंग नहीं है, ये स्टोरी टेलिंग है जिसके अंदर मुझे ये कैरेक्टर्स इस तरीके से दिखे. And sir, apart from the lead characters of Kangna and Sonam, there were other women in the film who were also portrayed that beautifully and strongly, like Swara Bhaskar yes. and Abhay Deol's sister in Ranjana. Yes. So, like, is this something that, and basically these were like very subtle and modest hints. We were not talking about feminism in any of these films, mm-hmm. but we were relating to the independent women of today's India. So this is how. When I'm looking at you, but the feeling I'm getting is the same feeling which I got from you. Thank you, sir. Thank you very much. आपने एक बात कही कि आपने माधवन को चुना धनुष मनु के लिए और फिर आपने धनुष को चुना रंजना के लिए, और सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि आप जानते थे कि धनुष अपने ऑर्डिनरी होने को बहुत ऑनेस्टी से मानते हैं, तो ये बात आपको बहुत खूबसूरत लगी उनके अंदर. तो मैं एक एस्पायरिंग एक्टर होने के नाते ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई नया एक्टर मेरे जैसा आपके लिए काम करना चाहता है, आपकी फिल्म में काम करना चाहता है, तो मुझे क्या करना होगा? कोई सर्टिफिकेशन लेके आना होगा या किस्मत क्लिक करने की वेट करनी होगी, या मैं ऐसे या लुक पे काम करना होगा, टोन निकली हुई उसको अंदर करना होगा, जिम जाना होगा, क्या करना होगा? मैं बाकी किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, बाकी किस्मत पेट होने का वेट मत करना. जी एक इतना मुझे पता है जी, किस्मत पेट होने का वेट मत करना, बाकी सब करते जाओ. उसमें से क्या वर्क करने वाला है मुझे नहीं पता. नहीं आपका क्राइटेरिया क्या है? मुझे पता है कि किस्मत पेट होने का वेट मत करो. मैं आपका क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ, आप एक्टर को कैसे उठाते हैं? मतलब वो तो आपने जैसे धनुष को आपने बताया कि नहीं है ऐसे हुआ, यू नो आप पे खुद भी यू नो चलाते हैं ना, तो आपको डायरेक्टर हैं आप, तो बहुत सारे रोल्स हैं आपके, तो वो मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपका मैकेनिज्म क्या है? नहीं, मेरा मैकेनिज्म बहुत सिंपल है यार. एक कहानी आती है, उसके साथ किरदार आता है, वो किरदार एक एक्टर मांगता है, एक्टर मैं ढूंढता हूँ. अब अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी तो मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा. ये सर उसमें मेरी किस्मत अच्छी होगी, पता नहीं ना किसकी किस्मत अच्छी होगी. मतलब कल मेरे को अगर जैसे मेरी किस्मत अच्छी थी मुझे धनुष में, ना नहीं तो मुझे एक्टर नहीं मिल रहा था. मुझे ढूंढ के मुझे यार उसने भी मुझे एक ही लाइन बोली मिलने के बाद, सर आई वुड लव टू डू इट बट आई डोंट नो हिंदी. मैंने बोला ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है भाई. सो अब किसकी किस्मत अच्छी मुझे नहीं पता. मैं रांझना ऐसी बना नहीं पाता था, मुझे धनुष नहीं मिलता, पर मुझे उठ के उसके पास जाना. मुझे ये मेरा अभी तक ये मानना है कि एक डायरेक्टर का काम है अपने एक्टर तक पहुंचना, और एक एक्टर का काम है अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना. सो वो बहुत जरूरी है. डायरेक्टर तुम्हारे पास पहुंचेगा, किस्मत क्लिक होने की वेट मत करना, आसपास रहो. Consider is the most important lesson you've learned in filmmaking, and how has that impacted upon your films? See, want to know as a director what I have learned? Yes. The most important lesson you have learned and how that impacted upon your filmmaking? Be honest to your story is the first lesson. When you're telling a story, be very honest to it. And secondly, As a human being, you should be able to fall in love with people. This is how I live. Make it like simple for others. Be true to your story. Fall in love with your characters and people. This is the basic I follow. There is no great filmmaker in me. It's a small director who was blessed and got opportunity to tell story, and that's what I'm doing. This is the basic crux I thought.